क्या आपके भी फोन में बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है? हाँ। क्या आपने अपना वन प्लस का फोन अपडेट मारा है? हाँ। क्या आपको भी वन प्लस अपडेट करने के बाद बैकग्राउंड म्यूजिक का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है? अरे हाँ भाई हाँ। तो दोस्तों आप घबराएं नहीं, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं भी YouTube पर बहुत सर्च किया हूँ, ठीक है, सब कुछ सर्च करने के बाद बहुत सारा मैं वीडियो देखा हूँ। तो बहुत सारा वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे भी बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना भी वीडियो मैं देखा हूँ सब कुछ फेक था। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ कि ये ऑप्शन कैसे हटा है और आपको कैसे मिल सकता है, ठीक है, जब आप अपना YouTube का कोई भी वीडियो या भी सॉन्ग प्ले करते हैं और अपना फ़ोन आप बंद करते हैं तो आपका म्यूजिक या फिर वीडियो बंद हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपका वीडियो प्ले होगा और आपको म्यूजिक सुनाई देगा, ठीक है, ये ऑप्शन हटने के बाद भी। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें, ठीक है। चलिए मैं अपना फ़ोन ओपन करता हूँ और जाता हूँ अपने सेटिंग में, ठीक। सेटिंग में जाने के बाद अबाउट डिवाइस पर जाता हूँ, दोनों फ़ोन का मैं अबाउट डिवाइस ओपन कर लेता हूँ और आपको डिफरेंट बताता हूँ कि क्या अलग है, किस कारण हम लोगों को बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस फ़ोन में ये है वन प्लस का नॉट टू, ठीक है, नॉट सी टू लाइट, ठीक है, देख सकते हैं। और इसका वर्जन जो है ऑक्सीजन ओएस 13 है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पर 13 है, आप चेक भी कर सकते हैं गूगल के माध्यम से। और यह है फ़ोन वन प्लस नॉट सी 3 लाइट, ऑक्सीजन ओएस 14, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फ़ोन को मैं अपडेट कर दिया हूँ, अपडेट करने के बाद मुझे बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं दोस्तों बात किया हूँ कंपनी से, बात करने के बाद मुझे दोस्तों पता चला है कि जो YouTube है इस ऑप्शन को हटा दिया है अपडेट करने के बाद। जो ओल्ड फ़ोन है अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, या फिर जो अभी तक अपडेट नहीं आया ओल्ड फ़ोन का, जैसे ये है, ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा दूँ, मैं YouTube ओपन करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये वीडियो प्ले हो गया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं साइड में आपको बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही चीज़ दोस्तों मैं इस फोन में प्ले करता हूँ तो मुझे बैकग्राउंड स्ट्रीम का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, देखिए नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं कंपनी से दोस्तों बात किया हूँ, उन्होंने बताया है अगर आप YouTube प्रीमियम जो है उसको परचेज करते हैं तो वो ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। और चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपने कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं और अपना फ़ोन बंद करते हैं तो आप कैसे सुन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और उसमें सर्च करेंगे यूट्यूब, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं सर्च कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें से कोई एक सॉन्ग हम लोग प्ले करेंगे, तो चलिए भोजपुरी सॉन्ग हम लोग कोई प्ले करते हैं, सॉरी,
अभय बाबू का मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ कोई। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं, मैं प्ले कर चुका हूँ, साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो मैं इसको होम पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है, होम पेज पे आने के बाद आपको वन प्लस में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर नोटिफिकेशन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, साइड में देख सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग प्ले करेंगे इसको। भाई देखो अगर सुनाई दे रहा है, ठीक है, अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग सॉन्ग को सुन सकते हैं क्रोम ब्राउजर के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।